चलिए एवरीबॉडी सिट स्ट्रेट। आप सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन जैसे भी बैठ सकते हैं, आराम से बैठिए और एक बार ओम चैंटिंग से शुरू करें। ठीक है, डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि, मेरे पीछे दोहराएंगे, ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्मानु ब्रह्माहुतम् ब्रह्मीव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। लंबा गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। In every breath, inhale and exhale with the mantra Brahma. Brahma is the supreme consciousness, Param Chaitanya Parama. सब कुछ ब्रह्म है, जैसा इस श्लोक में कहा गया, ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्मार् ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मेव तेन गंतव्यं ब्रह्म कर्म समाधिना। I am the Brahma, I am the universe, मैं ब्रह्म हूँ, यानी मैं ब्रह्म के अंदर, ब्रह्म मेरे अंदर। I am inside the universe, universe is inside me. Sarvudhasmātmanam sarvudhani chātmani ikṣate yogi uktātma sarvatra samdarshana. A person in yoga sees the Brahma or the Atma inside him and he himself inside Brahma or the Atma. Brahma chaitanya के साथ एकाकार, हर श्वास में आप ब्रह्म का जाप, अनाहत चक्र हृदय के मध्य में मन को एकाग्र रखे। परम शिव पुरुषोत्तम विश्व शक्ति, द होल ऑफ द यूनिवर्स इज हैविंग द न्यूक्लियस इन द सेंटर ऑफ योर चेस्ट, अनाहत चक्र। एक डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ, लंबा और गहरा सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। ब्रह्म के साथ धीरे धीरे सांस ग्रहण करें, धीरे धीरे छोड़ें।
24 घंटे आप ध्यान में रह सकते हैं, धीरे धीरे आंखें खोलें, प्रेक्षा ध्यान, जो कुछ भी आपके सामने सब रहे, जैसा इस श्लोक में हमने समझा है, उसे आप अपने कर्म में सर्व कर्म ब्रह्मेव समर्पण करते अभिमान त्याग फल आकांक्ष त्याग। तो जो कुछ भी हम करते हैं, युगस्तु करो ब्रह्मा निसंग सिद्धि असिद्धि समूप समत्व योग या योग के समत्व भाव को हम स्थापित कर करते हैं जब हम अपने अंदर बाहर ब्रह्म की स्थिति में होते। पुनः आंखें बंद करें, हृदय के मध्य में निकाल, हर कर्म में ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित, श्वास प्रश्वास जब ब्रह्म का जाप करते हैं तो आप योग प्रतिष्ठित हो, संयोग योग जीवात्मा, आपका जीवात्मा अनुचैतन्य यूनिट कॉन्शियस परमात्मा से नित्यं शुद्धं निराभाषं निराकारं निरंजनं नित्यबोधं चिदानंदं गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श कर अपनी आत्मा को हृदय से प्रणाम करें, नीचे लाकर आई सैल्यूट माय कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माय हार्ट, तीन बार आई सैल्यूट एवरीबॉडीज कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माय हार्ट। मैं अपनी आत्मा सबके आत्मा के हृदय से प्रणाम करता हूँ। And feel that cosmic energy which is in your hand, and you transfer that energy in each and every part of your body. आप शरीर के एक-एक अंग में अपनी ऊर्जा को रूपांतरित करें। Just touch. The touch itself is the energy. देख चलिए तो पैर को खोलें, सूक्ष्म व्यायाम करेंगे हम 5 मिनट, उसके बाद हमारी जो योग नींद है उसको ये करेंगे। सबसे पहले हम पैर से शुरू करते हैं, पैर की उंगलियों हम 10 बार करेंगे और फिर 10 बार एड़ियों को, ये एड़ी के लिए 1 2 थोड़ा स्ट्रेच इतना हो कि आपकी जो स्ट्रेच है वो घुटने तक आ जाए, इससे आपकी जो भी जॉइंट पेन है उसमें आराम होता है। राइट, फिर उसके बाद इसको आप राउंड घुमाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 was it 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ओके। इसके बाद 1 2 3 4 सूक्ष्म योग जो हम योग शुरू करते हैं, मैंने आपको एक मेडिटेशन का एक छोटा सा टिप दिया। ध्यान का अर्थ आज हम लोग यही समझते हैं कि ध्यान मतलब हम आंखें बंद कर लें, ध्यान होगी दूसरे पैर से। तो आंखें बंद करना अगर ध्यान होता, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से गाड़ी चलाना बंद आंखों से होता नहीं, तो ध्यान क्या होता है? व्हाट इज मेडिटेशन? मेडिटेशन इज योगा, ध्यान ही योग है, योग ही ध्यान। जो योग की परिभाषा है संयोग योग जीवात्मा परमात्मा,
योग का अर्थ होता है जीव का शुरू से, पाश पदो भवे जीव पाश मुक्तो विश्व। पाश यानी काम क्रोध दो, ये बच्चा खिलाने वाला करते हैं, मद मशेरे घृणा शंका लज्जा कुक्षीणा, ये षड्रिप वशपास यानी आपका जो बंधन है, पहला बंधन शरीर का हर विग्रह है मुक्त, टू फियर स्लीप एंड सेक्स, ये शरीर का पशु का आहार निगरा भय मृत्यु। अच्छा ऐसे करें, ऐसे करते हैं, आहार निगरा भय मृत्यु सामान्य निगरा पशु की नहीं, मतलब खाना खाना सोना भय और सहवास, ये है पशु और स्त्री, पशु और मनुष्य दोनों करते, ठीक है। इसीलिए हम पशु से कैसे अलग हुए, जब हम अपनी इंद्रियों चैतन्य से साथ ब्रह्म के साथ तो हम उसको एक करने के क्रम में हम लोग इंद्रियों का जो बंधन है, इसीलिए काम क्रोध लोभ मोह बटरफ्लाई मन शेर घृणा शंका अष्टपाश आज क्यों रहे हैं दुनिया में कि हम इन योग की जो इस परिभाषा योगी ध्यान है चक्की कहें और ध्यान नहीं योग चक्की में ये ध्यान रखिएगा कि पीछे जाने समय आप अपने हल्कों को बैठना योगी ध्यान है ध्यान ही योग है जुड़ने का यानी आप अगर सारे कर्म अपने मन में ब्रह्म भाव के साथ अगर कर्म करते तो आप क्या हो गए आप योग में प्रतिष्ठित हो गए और यही ध्यान है क्योंकि ध्यान का अर्थ होता है अपना मन शरीर सबको उस प्रभु के साथ उस ब्रह्म के साथ उस परम चैतन्य सत्ता के साथ दिखाना ठीक है ये चीज है। चलिए अभी ऊपर दस बार इसलिए इसकी जो चैतन्य भाव है चेतना है इसको अगर हम समझ लें तो ये बहुत बड़ी अच्छी स्थिति है और इसके बाद जो कर्म करें तो शरीर आत्मनम रथिनम शरीरम रथने बुद्धि तो साथी दोनों तरफ यदि मन प्रबलने यजुर्वेद और कठोपनिषद में यह योग की परिभाषा का श्लोक है जो बताता है कि आत्मा अगर जागृत आत्मा जागृत होने का अर्थ क्या हुआ आपका शरीर आपके नियंत्रण में आपकी आत्मा अगर जागृत है तो आपका शरीर वह वाहन है जो आपके गंतव्य की ओर जाएगा आपके लक्ष्य को आपका लक्ष्य क्या है आपके जीवन का लक्ष्य है आनंद यानी मैंने कहा आनंदम ब्रह्म क्या हो आनंद ही ब्रह्म है ब्रह्म ही आनंद है यानी भगवान जो आप इस भाव में जब जीने लगते हैं कि मेरे अंदर भगवान है मैं भगवान मैं ब्रह्म उसी दिशा में मैं ब्रह्म के अंदर हूँ ब्रह्म में ये तो समझ में आता है कि आप इस तरह से करें ये दोनों को एक साथ ऐसे क्रॉस करके आप ये समझिए कि हम लोग आज जिंदगी जो जी रहे हैं उसमें यह देखिए कि आप ईश्वर को हर ढूंढने इदम देथम भ्रमंती ताम सहज आत्मतीर्थम ना जानती कथम तो जो लोग मोक्ष और शांति प्राप्त करते वो लोग ये समझ जाते हैं जैसे बुद्ध की स्थिति में कि मोक्ष के लिए आपको शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं गर्दन का श्वास भरते हुए श्वास छोड़ते हुए एग्जिट डाउन श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़ते हुए यानी आपको ईश्वर को पाने आप शरीर यानी मोक्ष प्राप्त करने के लिए
भगवान बुद्ध, महावीर, गुरु नानक देव, संत ज्ञानेश्वर, मीराबाई, तुकाराम महाराज, संत साई बाबा, यीशु मसीह, ये सभी सांस भरते हुए लेफ्ट, सांस छोड़कर सीधा। फिर आज के आधुनिक युग में स्वामी विवेकानंद या जितने भी हमारे गुरु के रूप में हम उनको पूछते हैं, ब्रह्मेव गुरु रेगा। गुरु कोई व्यक्ति नहीं होता, गुरु ब्रह्म होता है। जब आप किसी के संपर्क और उसके साथ मिलने से आपको ब्रह्म की अनुभूति होनी शुरू हो जाती है, तो वह गुरु के माध्यम से गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव। श्वास भरते हुए लेफ्ट, श्वास छोड़कर सीधा। यह समझ आना ही आत्मा की जागृति, ठीक है। और यह जागृति होगी तो शरीर उसका वाहन है। जो आपके गंतव्य आपके लक्ष्य लेकर आया है, लक्ष्य आपका क्या है? ब्रह्म को एकाकार करना। तो बुद्धि सारथी, तो बुद्धि आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो इंटेलेक्ट है, वह सारथी के रूप में, यानी खुद स्वयं परम चैतन्य परम ब्रह्म जो महाभारत में आपने देखा कि सारथी यानी उस रथ पर सवार, यहाँ अर्जुन आत्मा की जागृति है। अभी गोल गोल घुमाएंगे, लेकिन इसमें एंटी क्लॉकवाइज घुमा के एंटी क्लॉकवाइज में वापस आएंगे, ठीक है। ये एक ही दिशा में नहीं घुमाना है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वाले इस पर ध्यान दें, इस फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं घुमा। इसमें श्वास की क्रिया पर भी ध्यान देंगे, श्वास भरते ऊपर श्वास छोड़कर, भरते ऊपर छोड़कर नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, रिटर्न एंटी क्लॉकवाइज, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। तो स्वयं भगवान कृष्ण आपके साथ ड्राइवर, यानी ऐसी योग की आपका कंट्रोल, आपके जीवन का कंट्रोलर स्वयं भगवान। और मन को आगे लाइए, तो आंखों का एक्सरसाइज, अंगूठे से अंगूठे को देखिए और श्वास भरते हुए आपने और बिना सर को आप अपनी आंखों से देखिए, श्वास छोड़ते नीचे, नेहला। तो जब आप अपने इंद्रियों, 10 इंद्रियां जो आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, हाथ पैर, वाक, वायु, तो आईज, नोज, ईयर, स्किन एंड टंग, हैंड्स, लेग्स, स्पीकिंग ऑर्गन, डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड यूरिनरी ऑर्गन, दीज आर द फाइव सेंसरी एंड फाइव मोटर ऑर्गन्स। तो इन 10 इंद्रियों को 10 दिशा में अगर यह भरती है तो 10 × 10 = 100 हो रहा है। और इन 10 इंद्रियों के आप गुलाम होते हैं, 10 आनंद यानी रावण, और 10 इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे विजय दश। और श्वास करते हुए राइट, इनहेल राइट, सर को नहीं हिलाने, एक्सहेल स्ट्रेट, इनहेल राइट, एक्सहेल स्ट्रेट, इनहेल राइट, एक्सहेल स्ट्रेट, inhale right, exhale left hand से left देखेंगे, inhale left, exhale straight, inhale left, exhale straight, inhale left, exhale straight। इस प्रकार आप यह श्लोक मैंने परिभाषित किया, इसके साथ आप सारे कर्म, सारे कर्म, इसीलिए किसान योगासन नहीं कर रहा हो लेकिन वह योगी है। शरीर को, मन को, आत्मा
तीनों को ब्रह्म के साथ एकाकार करना ही हो, लेकिन उसके लिए शरीर का सभी इंद्रियों का एक बार आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे श्वास लेते पर राइट नीचे लेफ्ट अप इनहेल एक्सहेल राइट एंड डाउन इनहेल लेफ्ट अप एक्सहेल राइट एंड डाउन इनहेल लेफ्ट अप एक्सहेल राइट एंड डाउन इनहेल लेफ्ट एंड अप एक्सहेल राइट एंड डाउन इनहेल लेफ्ट अप एक्सहेल राइट. अभी दूसरी दिशा में इनहेल अप एक्सहेल लेफ्ट डाउन इनहेल राइट एंड अप. ये एंटी क्लॉकवाइज है लेफ्ट हैंड से डाउन लेफ्ट एंड अप. तो यह आपको आज हमने जो परिचय में आप बताया योग की परिभाषा, इसमें शरीर का स्वस्थ होना आप इसलिए जरूरी है क्योंकि आपकी जो लक्ष्य आनंद को प्राप्त होना आनंद के साथ सर्व सारे काम करना यह तभी होगा जब इसलिए हमने आपको अहिंसा ठीक है ये जरा आप अंत में फिर से आपको सर्च करें इस तरह से राउंड पांच बार और पांच बार प्रशिक्षण है फिर ऊपर से नीचे फिर ये नोज के रिजल्ट और आप मसाज करें इससे आपका ये नाड़ी खुलेगी ओके यहाँ पर फिर यहाँ फिर आंखों के किनारे में जो आपकी आंखों की टीयर्स का ये तैली होता है उसमें पांच बार प्रशिक्षण फिर यहाँ पांच बार प्रशिक्षण कान का एक्यूप्रेशर जो ऑडियोलॉजी कहते हैं इससे आपका पूरा बॉडी के जितने स्थान है उन कान में और हाथ में आप जो करते हैं एक्यूप्रेशर जो कहते हैं बट योगासन राइट. चलिए आज हमने ये सूक्ष्म योग से अब हम लोग कुछ स्टैंडिंग आसनास करें और उसके बाद स्टैंडिंग आसनास करें और अगर रिक्वेस्टेड टू प्लीज स्टैंड अप हम लोग अपना कैमरा एडजस्ट करें मैं इस तरह से एडजस्ट करूँ मैं आज अपने केंद्र नहीं हूँ दूसरी जगह आया हूँ हमारा यहाँ आश्रम है फरीदाबाद में तो इसीलिए थोड़ा सा मुझे मेरी ट्राइपॉड छूट गई एडजस्टमेंट में थोड़ी दिक्कत हो रही है आशा है आप लोग तो हम लोग एक योग नीति उसको हम लोग सीखी है मेरे पैर को ध्यान दीजिए ये मेरा हाथ है ये पैर को थोड़ा फैलाए और एक पैर को उठा दूसरा पैर इसको हम कौशिक पंचकोष माना है उस पंचकोष को हम अपने पैर के उंगलियां को जब हम नीचे रहे इस तरह से ऐसे लगा इससे क्या होता है हमारी जो ब्रेन के जितने नर्व सेल्स वह सब ये हो जाते हैं एक्टिवेट हो जाते हैं इसीलिए पंचकोष को नियंत्रण आपसे निवेदन है कि अगर आप योग देखते हैं तो भी लोग इस प्रकार का इस तरह से तो ये एक दो तीन चार पांच ठीक है. अब इसमें मेंटली आप इसको ध्यान दीजिए कि आप अपने शरीर को इस तरह से मूव कर रहे हैं यानी पैर को उठाकर एक पैर को उठाकर दूसरे पैर के पीढ़ी के साथ ठीक है राइट. अभी बहुत आसान है
अब देखिए इसमें थोड़ा सा और है कि हम पूरे रीढ़ को पूरे स्पाइन को हम मूव करते हैं, इसीलिए कौशिकी नृत्य जो नृत्य कौशिकी जो गूगल में देखें यूट्यूब वीडियोस तो आप पाएंगे कि 100 देशों से ज्यादा खासकर हमारी माताएं कर रही हैं। राइट, समझ में आ रहा है क्या? ओके, तो ये अब इसमें हम लोग राइट कर रहे हैं, 1 2 राइट, थ्री राइट, फोर अप, फाइव, 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 अप, 5 अप। फिर से देखिए, 8 राइट, दूसरा और झुके, तीसरा और जितने बार झुके, 4 में सीधा, 5 में पूरा सीधा, फिर 1 लेफ्ट, 2 लेफ्ट, 3 लेफ्ट, 4 अप, 5 अप। अब आगे 1, नीचे 2 एंड 3 अप, फिर पीछे 1 2 एंड 3 अप और चेंज फाइव। ठीक है, मतलब इसमें 1 रुक जाते हैं, 2 रुकते हैं, 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 आगे, 2 नीचे, 3 ऊपर, 1 पीछे, 2 और पीछे, 3 ऊपर, 4 पांच में चेंज, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, left 2 3 4 5, right down up, back down up, 4 5. फिर से 1 2 3 4, पैर बदलते हैं, पैर का बदलना और लेफ्ट राइट में फ्रंट बैक में, यह आराम से आप लोग और वीडियोस हम शेयर कर देंगे तो आप इसको प्रैक्टिस कर, इस योग नृत्य को कौशिकी से 22 प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं और जो एनर्जी आपकी चार्ज हो जाती है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ 10 मिनट समय है तो आप 5 मिनट कौशिकी कर लें और 5 मिनट मेडिटेशन। जो मेडिटेशन आज हमने जो टेक्निक बताया कि हर श्वास में ब्रह्म के साथ मन को एकाकार करना ही सच्चे, और उसका हमने परिभाषा दिया ध्यान ही योग ही योग, राइट। चलिए राइट, ये हो गया। इसके बाद हम तांडव अगले क्लास में सीखेंगे। तांडव सिर्फ ये नटराज मुद्रा में ऐसे चल, ये हम लोग आगे सीखेंगे क्योंकि ये सिर्फ भाइयों के लिए अगले क्लास में मिला, इसीलिए उनको नहीं करना ये। ठीक है ना, तो आज हम फिर अगला सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, आशा है आप लोग बहुत सारे लोग सूर्य नमस्कार किया होगा पहले, तो सूर्य नमस्कार करते हैं। ठीक है, देखिए सूर्य नमस्कार अपने मैच के 1/4 ग्रुप के भाग में आप खड़े हो जाइए। ओके, और मंत्र के साथ ये बाहर पोस्चर करेंगे पहला, और श्वास पर भी ध्यान दें। ओके, 1 मेरे पीछे मंत्र दोहराएंगे, ओम मित्राय नमः, श्वास पर ध्यान दें, ओम रवये नमः, सांस छोड़कर पीछे, ओम सूर्याय नमः, कमर किन को दर्द हो नमस्कार अवॉइड। और किसी योगाचार्य के इंस्ट्रक्शन में रहे, अब देखिए अब राइट पैर पीछे और आपका दोनों आपकी लेफ्ट पैर, और ये पूरा जितना स्ट्रेच कर सकते हैं पीछे राइट, और पीछे वाले नी को जमीन पे लगा दे,
इस तरह से, ताकि आपका ये जो पूरा स्ट्रेचिंग ये जो पूरी स्ट्रेचिंग है आपकी, यह पूरा इस तरह से स्ट्रेच हो जाए और आगे का ये बाहर, और इसको स्ट्रेच करके पूरा स्ट्रेच बोलिए ओम भावे नमः। अब आगे से पहले पीछे क्या था डंडे की तरह दंडासन, ओम खगाय नमः, नीचे स्ट्रेचिंग ओम भूषणे नमः, सांस भरते हुए ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब ये अगला क्वेश्चन में इस तरह से कमर उठाएंगे, सांस भरते हुए ओम मरीचे नमः। अभी राइट पैर आपका पीछे गया था, राइट पैर को आगे लाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप दोनों हाथों के पीछे आप पहले आए और आप अपनी जमीन पे लगा के इस तरह से स्ट्रेच करेंगे, सांस भरेंगे, ऊपर देखेंगे ओम आदित्याय नमः। पीछे वाले तरफ आप इजेल करने के लिए बैठे वाले ये ध्यान रखेंगे, बैठे वाले अगर जाने जाने के लिए तुम्हें कभी नहीं करें तो आप कर सकते हैं योगा चाहिए के इंस्ट्रक्शन, सांस छोड़कर ओम सवित्रे नमः, सांस भरते हुए ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः, पुनः ओम मित्राय नमः, श्वास करते हुए ऊपर ओम रवे नमः, सांस छोड़ दीजिए ओम सूर्याय नमः। अब लेफ्ट पैर को पीछे ले जाइए, श्वास की तरफ रहिए, ऊपर देखिए ओम भानवे नमः। अब इस पैर पीछे ले जाइए, बॉडी को डंडे की तरह स्ट्रेट कीजिए ओम खगाय नमः, नीचे स्टेंशन होने का ओम पूष्णे नमः, सांस भरते हुए ओम हिरण्यगर्भाय नमः। अब माउंटेन पोस्चर ऐसे हाथ छोड़ के ओम हरिचे नमः। अब देखिए आपने लेफ्ट पैर ये एक राउंड में आप राइट पैर पीछे ले जाते हो तो राइट को आगे लाते हो, दूसरे राउंड में आप लेफ्ट को पीछे ले जाते हैं तो लेफ्ट को आगे लाते हैं, श्वास भरिए ओम आदित्याय नमः। अब पीछे से पैर आगे लाइए, ओम सवित्रे नमः, श्वास भर के ऊपर ओम अर्काय नमः, हाथ जोड़कर ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः। अब दो बार और करेंगे, फिर से थोड़ा ब्रीदिंग पर ध्यान देते हैं हम लोग, ओके। तो मंत्र हम लोग बाद में करेंगे, पहले ब्रीदिंग के साथ समझ लीजिए कोशिश। वन इनहेला, इसमें आप हाथ जोड़ के पहले में जाते हैं, आते समय आप हाथ फैलाते हैं, एक्सहेल डाउन राइट पैर इनहेल पीछे, फिर दोनों पैर पीछे एक्सहेल, फिर घुटना छाती और दाढ़ी जमीन पे इनहेल एंड एक्सहेल, फिर इनहेल करके ऊपर। आप इसको इस प्रकार कर सकते हैं, एल्बो बेंड करके भी ऐसे भी कर सकते हैं, इनहेल फिर एक्सहेल, सूर्य नमस्कार के बेनिफिट के लिए आपको एक क्वेश्चन कम से कम 5 सेकंड घुटना चाहिए, तब अच्छा होता है, नहीं तो आप ऊपर ही होगा हो जाता है। इनहेल फिर एक्सहेल, क्योंकि योग की मैंने जो परिभाषा दी है
कि जब तक आप आपका शरीर और मन और आत्मा एकाकार नहीं होगा, एक्सहेल करके पूरी तरह इनहेल श्वास करते हुए आप हाथ फैला सकते हैं इसी, फिर हाथ छोड़कर एक्सहेल इनहेल एक्सहेल। अब हम लोग लेफ्ट साइड को पीछे ले जाते हुए करें, वन इनहेल एक्सहेल, इनहेल टू एक्सहेल थ्री। अब लेफ्ट साइड पीछे इनहेल फोर फाइव एक्सहेल सिक्स इनहेल एक्सहेल सेवन इनहेल एट एक्सहेल नाइन इनहेल ओके टेन एक्सहेल इलेवन इनहेल एंड ट्वेल्व एक्सहेल ओके। चलिए एक बार और मंत्र के साथ करते हैं, ओम मित्राय नमः श्वास भर के ऊपर, ओम रवे नमः श्वास छोड़ कर नीचे, ओम सूर्याय नमः श्वास भर के ऊपर नीचे, ओम हनुमे नमः आगे से पैर पीछे बॉडी स्ट्रेट रहने की तरह, ओम खगाय नमः नीचे स्टेंशन हम देख रहा हूँ, ओम भूषणे नमः श्वास भर के ऊपर, ओम हिरण्य गर्भाय नमः मंडे कोश, ओम ऋचे नमः लाइफ पे रहे इनहेल, ओम आदित्याय नमः एक्सहेल पीछे से, ओम सवित्री नमः श्वास भर के ऊपर, ओम अर्काय नमः हाथ जोड़कर, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्रेश्वरी सूर्य नारायणाय नमः, एक बार और, ओम मित्राय नमः श्वास भरते ऊपर, ओम रवे नमः सांस छोड़कर नीचे, ओम सूर्याय नमः कर पीछे हे, ओम हनुमे नमः आगे से पैर पीछे बॉडी स्ट्रेट, ओम खगाय नमः नीचे स्टेंशन मान लिया, ओम भूषणे नमः श्वास भर के ऊपर, ओम हिरण्यगर्भाय नमः और देव पुरुष, ओम मरीचे नमः लेफ्ट साइड आगे इनहेल, ओम आदित्याय नमः पीछे से दे रहे हैं, ओम सवित्री नमः श्वास भर के ऊपर, ओम अर्काय नमः हाथ जोड़कर, ओम भास्कराय नमः, ओम सवित्री श्री सूर्य नारायणाय नमः, नमस्कार। प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए। राइट तो ये हमारा थोड़ा सा आई एम सॉरी आई एम एडजस्टिंग, मैं ट्राइपॉड मिस कर गया तो जी सर प्रॉब्लम। चलिए तो आप आज हमने आगे की 15 मिनट में जो अभी दो आसन और करेंगे, और यह देखिए कि हम लोग ने आज जो पहली क्लास में हमने जो आज आपको मेडिटेशन का एक टेक्निक बताया उसके बाद हमने आपको स्टैंडिंग में और सूक्ष्म योग जो है उसके साथ भाव के साथ
सूक्ष्म योग होता है। अब आपकी बॉडी फिर उसके आप कौशिकी योग नीति उसको आज जब आपने जब किया तो कौशिकी योग नीति से आपका मन और शरीर ये हो गया। फिर हमने तांडव के अंदर बताया, तांडव हम आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन तांडव से भाइयों में बहने ज्यादा है, तो अभी हम लोग तांडव आज पहले क्लास में शुरू किए। और क्यों है, क्योंकि तांडव से जो कौशिकी का जितना बेनिफिट तांडव की जो जितनी बेनिफिट है वह सब कुछ कौशिकी में मिलता है, लेकिन तांडव माता बहनों को इसलिए नहीं करना है क्योंकि उसमें एक एंड्रोजन ग्लैंड होता है वह एक्टिवेट हो जाता है जिससे दाढ़ी मूछ हो जाती है। तो इसलिए शरीर का ध्यान रखते हुए हम माता बहन इसी करते, तो यह ध्यान रखिएगा। और हमारे जो आनंद मार्ग के जितने साधक हैं भाई बहन है वह नियमित रूप से करते। तो आइए हम लोग अभी दो हर दो तीन दिन के अभ्यास पर हम लोग आसन आगे आगे बढ़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे करके। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमने योग की परिभाषा दिया कि योग का अर्थ होता है जीवात्मा परमात्मा से मिलन। तो आपका शरीर आपके अपने नियंत्रण हो और आप जो चाहे वो कर सकें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, आनंद में रहें, यही आपका जीवन का लक्ष्य। इसीलिए आप अपने बॉडी की चक्रास को समझें, उसके वृत्तियों को समझें और उसके अनुसार कौन सा आसन आपको करना है समझें जो आचार्यों के साथ। तो जो हम आपको योगा टीचर्स ट्रेनिंग जो थेरापिस्ट ट्रेनिंग देंगे उसमें हम आपको ऐसे करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग योग मुद्रा करेंगे जो बहुत कॉमन आसन है। बहुत आराम से आप सुखासन में पलथी मार के ऐसे करके जैसे सुखासन बैठ या अर्ध पद्मासन में बैठ कर आप बैठ जाइए और दाहिने हाथ से बाएं कलाई श्वास भर लीजिए। और श्वास भरने के बाद सांस छोड़ते हुए आगे झुकिए आराम से। इसमें ध्यान ये रखिएगा कि आपका ये जो ये लंबा वज्र ये आपका सीधे आना चाहिए, ठीक है। धीरे 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 आए जिनके पेट में थोड़ी चर्बी होगी वही तो उनको पूरा नहीं झुक पाए, नहीं तो फिर बिल्कुल आप अपने सर को जमीन से लगा सकते हैं। सांस पूरी तरह बाहर, 8 सेकंड सांस रोकना है, ब्लड प्रेशर और हृदय में भरी सांस नहीं होगी। 8 सेकंड के बाद श्वास भर के उतरी, यह योग मुद्रा। अब इसी के साथ आप अपने बैक स्ट्रेचिंग करते हैं सहज उष्ट्रासन। तो इसमें आप हाथ पीछे रखें और सांस भरते हुए यहाँ भी 8 सेकंड रुक सकते हैं, ठीक है। अगर इसमें कुछ एड ऑन कर लें और आप अगर पद्मासन लगा देते हैं, पद्मासन में आपकी पूर्ण स्थिति होती है, राइट हैंड से लेफ्ट रिस्ट पकड़िए, सांस भरिए और सांस छोड़ते हुए राइट एक्सहेल कंप्लीट। तो ये देखिए लीवर की एक्सरसाइज हो रही, हमारा यहाँ पर लीवर का प्रेशर हो रहा है। जो लोग थोड़ा मोटे हैं तो अगर इतना भी झुक पाते हैं तब भी ठीक प्रेशर हो गया। फिर सांस भरते हुए फिर लेफ्ट सांस छोड़कर एक्सहेल 8 सेकेंड, फिर सांस भरके सीधा, फिर सांस छोड़कर आगे एक्सहेल कंप्लीटली। आठ सेकंड मन में गिने, फिर सांस भर के उठ जाइए। 8 सेकंड के बाद पीछे हाथ रखें, सांस भरिए और स्ट्रेच इनहेल। वेरी गुड विश्राम। सभी लोग का वीडियो ऑन रहता तो मैं देख पाता, कोई बात नहीं। तो एक बार और करेंगे, सांस भरिए एक्सहेल डाउन होल्ड द ब्रेथ 5 6 7 8, सांस भर के उठ जाइए लेफ्ट झुके सांस छोड़ दे एक्सहेल 1 2 3 4 5 6
6 7 8 पैंक्रियास एक्सरसाइज होगी, इनहेल आउट, सांस छोड़कर आगे एक्सहेल आउट, 1 2 3 4 5 6 7 8 सांस भर के ऊपर पीछे हाथ, इनहेल स्ट्रेच, 1 2 3 4 5 6 7 8 विश्राम। राइट, अभी थोड़ा अपने शरीर को और एक बार थोड़ी स्ट्रेचिंग देंगे, वक्रासन, पैर को खोलिए। तो यह जो आपने अभी योग मुद्रा सीखा, योग मुद्रा आपको सर को देता है, इसे आप 8 बार करें आज, ठीक है। आज हमने 3 बार अभ्यास किया, अभी ये दूसरा योगासन आज हम लोग कर रहे हैं। तो यह एक पैर को आप दोनों पैरों को सीधा रखें, राइट पैर को आप बेंड करें, लेफ्ट पैर के बराबर है, पीछे हाथ इतना दूर ना रखें और इतना रखें कि आप आराम से अपनी कमर को सीधा रख सकें, और लेफ्ट हैंड से आप अपने किडनी के साथ क्रॉस करके और इसको एड़ी को पकड़ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप जहां तक जा सकते हैं तो पकड़िए, या आप ऐसे भी रखें, स्ट्रेच करें। जो लोग यह एल्बो के साथ नहीं कर पाते वो अपने इस तरह से ऐसे स्ट्रेच करें, ठीक है। और फिर उसके बाद क्रॉस करके पीछे जितना देख सकते हैं पीछे वाले हाथ की तरफ उतना गर्दन घुमाएं, पूरी तरह नॉर्मल ब्रीदिंग में श्वास बाहर करते हुए, इसमें 10 से 15 सेकंड तक आप होल्ड करें। वक्रासन, यह स्ट्रेचिंग अच्छा है। दूसरी तरफ फिर अब हम लेफ्ट पैर को मोड़ रहे हैं राइट पैर के घुटने के पास, और हम इस तरह से ऐसे करके ऐसे लेफ्ट, ओके। तो 10 से 15 सेकंड के बाद फिर चेंज, और करिए दूसरे पैर से, वेरी गुड। चेंज, बहुत अच्छा, ठीक है। अभी आप लेट कर हम एक दो आसन करेंगे, तो लेट जाइए। सुबह उठने की क्रिया के साथ यह महत्वपूर्ण है पवन आसन, जिसे हम हस्त्री का आसन भी कहते हैं। तो इसमें आप ताड़ासन जोड़ दें, सुप्त ताड़ासन, हाथों को बांधे, श्वास भरते हुए हाथ को पीछे ले जाइए, ओके। और देखिए पंजा आपका कमर नीचे, श्वास भर लीजिए 8 सेकंड के बाद, सांस छोड़ते हुए एक पैर को मोड़िए और दबाइए। यहाँ आप देखिए दोबारा आप लीवर पर आगे पेश, तो योग में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि आपका पेट युक्त आहार विहार जैसा आहार सही है तो आहार को ठीक करना और शुद्धि करना यह बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आप अपने सर को उठाकर नाक को घुटने से लगाएंगे, अगर आप गर्दन दर्द हो स्पॉन्डिलाइटिस हो तो गर्दन को ऐसे ही करें, जिन जिन लोगों को घुटने का तकलीफ होता है आर्थराइटिस वो लोग ऐसे नहीं दबा रहे, ये ध्यान रखिए कि पवन मुक्तासन योग और मकर आसन इन आसनों से हर तरह की बीमारियों से हम सांस पूरी तरह बाहर, सांस भरते हुए अब आप हार्ट और लंग्स को आप स्ट्रेच करें, इसमें आपकी जितनी तरह की स्पॉन्डिलाइटिस हो उसमें भी आराम हो, फिर सांस छोड़ते हुए लेफ्ट, ओके। और अगर नेक पेन नहीं हो तो आप नोज को घुटने से लगाइए, सांस पूरी तरह बाहर, तो अब आपके लीवर के प्रेशर हो। तो जो लोग बैठ के नहीं कर पाते ठीक से तो ये लेट करके अच्छे से सांस भरते हुए पीछे, तब दोनों पैर इस प्रकार मोड़े, सांस बाहर,
और फिर सांस लेके पीछे, ठीक है। अब इसी क्रिया को आप जल्दी करते हैं तो सुबह उठने की क्रिया में आप इससे हम छेड़ते, जैसे आपके नींद खुले बिस्तर छोड़ने से पहले आप इसको करें, ठीक है ना। चार बार उसके बाद बाएं करवट लेकर उठकर, ठीक है, ये हो गया अंतिम आसन भुजंग आसन, राइट। आपने तीन आसन सीखा, ये बहुत कॉमन है भुजंग आसन हमने आज सूर्य नमस्कार के दौरान भी किया। ये देखिए आप दोनों हाथों को छाती के बराबर रखिए और सांस भरते हुए इतना उठ पाते हैं आराम से, जिसमें कि आपका छाती आराम से उठता है, हाथ सिर्फ सपोर्ट के लिए है। यह भुजंग आसन एक स्थिति जो ऐसे नहीं कर पाते हैं वो पूरा उठाते हैं, इसमें ज्यादा बेनिफिट है, इसमें थोड़ा सा कम हो जाता है, शोल्डर पर ज्यादा स्ट्रेच आता है, ये ऐसे आराम से। अच्छा, जो लोग को बिल्कुल तकलीफ है वो लोग बिना एल्बो यानी आपके उंगली लगा करके, ठीक है ना, ये। और फिर उसके बाद एक ही तरफ गर्दन घुमा के और पैर को मोड़ के शीतलासन, ठीक है ना, जिधर गर्दन घुमाएंगे उधर ही हाथ पैर मोड़ेंगे, दूसरी तरफ हाथ पैर से कर रखेंगे, फिर से सांस भरते हुए यह पूरा 8 सेकंड के बाद सांस छोड़कर नीचे, फिर दूसरी तरफ डाउन, फिर इस प्रकार दूसरी तरफ भी आप घूमकर विश्राम कर सकते हैं। फिर से सांस भरते हुए 8 सेकंड पूरा वे कर सकते हैं, सांस छोड़कर नीचे 8 सेकंड के बाद विश्राम, चलिए ये हो गया आपका आसन का श्रृंखला। अब हम लोग 2 मिनट हमारा समय समाप्त हो रहा है, 5 मिनट के लिए हम लोग प्राणायाम करेंगे, उसके पहले जरा 2 मिनट शवासन योग निद्रा, आराम से लेटें, ऐसा सोचें खुले आसमान की तरफ देखें, हरे भरे घास, रंग बिरंगे फूल, पहाड़ों की वादियां, उगते हुए सूरज के लालिमा के वंश आपको आते, और पैर की उंगलियों से एड़ियों तक आप आराम दे रहे, विश्राम दे रहे, आपका शरीर का वो भाग शांत और शिथिल है, आप उसे चाह कर भी ला नहीं सकते, एड़ियों से घुटने तक का भाग शांत और शिथिल होगा, आप उसे हिला नहीं सकते, धीरे धीरे सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें, घुटने से जंघाओं तक का भाग शांत और शिथिल होगा, कमर का भाग शांत और शिथिल, पेट के सभी अंग शांत और शिथिल हो, आपके हृदय फिर शांत और शिथिल हो रहे, छाती शांत और शिथिल, गर्दन कंधे बाजू के उंगली कलाए हाथों की उंगलियों तक का भाग शांत और शिथिल हो रहा, आप इसे हिला नहीं सकते, वापस गर्दन शांत और शिथिल, चेहरा आपका दाढ़ी होंठ गाल कान नाक आपके मामला शांत और शिथिल हो गया, संपूर्ण शरीर वापस आप पैर तक जाएं और सांस भरते हुए पैर से सर पर ध्यान करें, सांस छोड़ते हुए सर से,
या योग निद्रा ध्यान आप कुर्सी पर बैठे बैठे अपने आप को एनर्जी दे सकते हैं। शरीर के अंगों को श्वास के साथ एकाग्र करें तो आनंद और शांति प्राप्त। धीरे धीरे आंखें खोलें, मुट्ठी बंद करें और खोलें, पैरों को हिलाएं ना तो हिलाएं, एक एक कर पैर मुड़े, बायां करवट लेकर आगे हाथ रखकर टूट कर बैठे और हम लोग 5 मिनट प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं। आराम से सुखासन में बैठ जाइए और सबसे पहला भस्त्री का प्राणायाम, श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर करेंगे, श्वास को नीचे, ये जब नीचे लाएंगे तो पूरा हाथ आपके यहाँ पे आना चाहिए, रखिएगा ठीक है। श्वास भरिए, 1 2 इनहेल आउट, ब्लड प्रेशर और हार्ट के पेशेंट को धीरे करना है, मासिक के दौरान माता बहनों को भी धीरे धीरे करना है और उसके अलावा कोई भी दूसरा प्राणायाम नहीं करना है और आसन भी मासिक के दौरान नहीं करना है ठीक है। लेकिन मेडिटेशन और सूक्ष्म प्राणायाम जैसे डीप ब्रीदिंग भस्त्रिका और भ्रामरी ओंकार और अनुलोम विलोम यह कर सकते हैं, करना चाहिए। आगे सांस लेते अब सांस लेते छोड़ दीजिए। फिर सांस भरते हुए साइड छोड़कर आगे लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। इस तरह से भस्त्रिका का 3 राउंड हम कर सकते हैं। आज 1 राउंड हमने किया। अगला जो महत्वपूर्ण प्राणायाम जो जरूरी है वह उद्यान, और इसमें मुद्राएं भी ध्यान रखिए। जैसे भस्त्रिका करते हैं प्राण मुद्राएं अगर करते हैं, जिनका हार्ट लंग्स को एक्टिवेट करना है श्वास की तकलीफ है तो यह प्राण मुद्रा है। और इसी के साथ अगर मान लीजिए गैस एसिडिटी होती है तो यह अपान मुद्रा है, ये देखिए। तो अगर दोनों को प्राण अपान मुद्रा, ये दोनों तीनों उंगली एक साथ लगाकर और इस तरह से आप भस्त्रिका कर सकते हैं तो आपको प्राण की शक्ति होगी। इसी में आप आगे जब हम कपाल भाती सीखेंगे कपाल भाती भी करें, आज हम उड्डयन लगा रहे। तो उड्डयन में मुख्यतः आपकी अपान वायु के नियंत्रण होती है, जिसमें आपका पाचन तंत्र ठीक करना यानी आपका मलमूत्र ठीक से हो और माता बहनों के लिए मासिक जो क्रिया है वह अच्छे से हो, उसके लिए अपान मुद्रा और उड्डयन बन महत्वपूर्ण होता है। लेकिन मासिक के दौरान माता ठीक करना है, श्वास लेकर छोड़ दीजिए, छोड़कर पेट बंद कीजिए, सांस लीजिए, छोड़िए, इसे 10 सेकंड 20 सेकंड जितना देर आप सांस लोगे। आप जो भी आसन में बैठे हैं बैक पोजीशन पर रखें, श्वास लें, छोड़ें। अपान मुद्रा के साथ सांस लीजिए, छोड़िए।
इसी में अग्निशर क्रिया कर सकते हैं आप। देखिए इन इस हाथ को नाभि के पास लगाएं और श्वास बाहर छोड़कर पेट दबाएं 8 सेकंड तक, फिर श्वास ले लें। देखिए श्वास लीजिए, छोड़िए, छोड़ते हुए पेट को दबाइए उड्डयन बंद की तरह। फिर श्वास भर के 8 सेकंड के बाद रिलीज करें, श्वास ले छोड़े पेट को दबाएं। बीच की उंगली से और ये हाथ को ऐसे साइड से ऐसे फिर श्वास भर लें, श्वास लें छोड़े विश्राम 3 बार कर लें, ऐसे 8 बार। यह योगनिसार क्रिया है, योगनिसार हम लोग यह जो ऐसे करते हैं ना, यह आगे हम अभ्यास करेंगे, यानी पेट को आगे पीछे करने वाला। इसको हम लोग आगे अभ्यास करेंगे, आज पहला दिन है। धीरे धीरे हमें पता नहीं है कौन कौन इसमें अभ्यास रेडी कर रहे हैं, इसलिए आज हम आराम से सिखाया। अब हम लोग समाप्त करेंगे भ्रामरी और ओंकार से। भ्रामरी में आप 3 तरीके से कर सकते हैं, जैसे मुद्रा के साथ आप भ्रामरी करना चाहते हैं, यह तो अपान मुद्रा हो। अब प्राण मुद्रा में अगर आप भ्रामरी करना चाहते हैं इस तरह से, ऐसे यह प्राण अपान मुद्रा, यानी कि श्वास की ऑक्सीजन को डेवलप करते हुए, हार्ट और लंग्स को एक्टिवेट करते हुए और प्लस अपान वायु को शुद्ध करते हुए यह प्राण अपान मुद्रा में आप कर सकते हैं। और इस तरह से अंगूठे ये एक उंगली से कान पर से बंद करके पूरा सांस भर करके अब हमारे की तरह बन जाए, ठीक है। इसके बाद एक ये है कि सांभवी महामुद्रा में आप कान को बंद करते इस प्रकार, फिर पहली उंगली माथे पर रखते हैं, दूसरी उंगली आंखों पे, तीसरी जो आपके अनामिका है रिंग फिंगर उसको नाप के चित्र पे, और फिर लिप्स के पास ये बंद। अब पूरी तरह सांस भरते समय आप जो अनामिका और रिंग फिंगर है उसे उठा देते हैं, पूरा सांस भरने का हमारे, ठीक है। तो इस तरह से सांस भरिए, तीन बार करेंगे, सांस भरिए, अब अंत में ओंकार और बाबा नाम के उल्लम मंत्र से समाप्त करेंगे। श्वास भरिए, ओ बाबा नाम केवलम, बाबा यानी परम पिता, हमारे अपने, जैसा मैंने योग ज्ञान की परिभाषा दी कि आपके अंदर ही ईश्वर, आप ईश्वर के अंदर हैं, आपके अंदर भगवान आप, वह आपके परम पिता,
generator, operator, discharge, you are the God. Brahma, Vishnu, Mahesh. परश्वास में अपने परम उस नया बाबा के नाम से नाम केवलम यानी अनकंडीशनल मेरे साथ दोहराएंगे गाएंगे बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम बाबा नाम केवलम Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam Bhavanam Kevalam जो लोग दीक्षित हैं साधना सीखे हुए वो अपने ईश मंत्र का जाप करेंगे और पहला लेसन आप करेंगे। हम आपको योग ध्यान में 6 लेसन सिखाएंगे मेडिटेशन के ध्यान के, जिसमें पहला लेसन जो सीखे या व्यक्तिगत एक ही परिक्रम सीखते हैं आचार्यों के द्वारा, बाकी जो नहीं सीखे हैं जैसा मैंने शुरुआत में ही आपको हर श्वास में ब्रह्म का जाप बताया या बाबा नाम के विलंब श्वास ले बाबा नाम से केवल आप आराम से ज्ञान मुद्रा में भाव मुद्रा या मुख मुद्रा में बैठ सकते हैं। कमर सीधी रहे, गर्दन सीधी, हर सांस में बाबा नाम सांस लेते केवल जो। और जैसे मैंने कहा सर्व कर्म धम्य उपसम, तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं खुली आंखों से भी आप हर सांस में गर्म बाबा नाम केवल कर जाओ तो आप ब्रह्म के साथ ही या ब्रह्म का जाप कर रहे तो आप यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ साथ चलते फिरते उठते हुए गाड़ी चलाते काम करते कोई भी काम करते हैं किचन में काम कर रहे हैं कंप्यूटर में काम हर श्वास में अगर आप ब्रह्म कर रहे हैं या बाबा नाम के ब्रह्म करें तो आप ब्रह्म के साथ समाप्त करें। आज जोड़िए बोलिए नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मध्य में लाकर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना कश्चित् दुःखमापुनुयात् सभी सुखी हों सभी रोग मुक्त हों सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। एनर्जी विच यू हैव हियर चलिए बहुत अच्छा धन्यवाद आप लोग सब लोग आए।